पितृश्वर हनुमान धाम की 9 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा समारोह का कुंभ 3 मार्च को नगर भोज के साथ संपन्न होगा। शिवपुराण राम कथा और अति रुद्र महायज्ञ की पूर्णाहुति के बाद भगवान को भोग लगाया जाएगा और फिर 4 बजे से नगर भोज की शुरुआत होगी। ये जानकारी भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने दी। उन्होंने बताया कि 10 स्थानों पर एक साथ होने वाले इस नगर भोज में 10 लाख लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। हर जगह महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। संभवतः नगर भोज का ये देश का सबसे बड़ा आयोजन होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नगर भोज का आयोजन बड़ा गणपति से लेकर श्री पितृश्वर हनुमान धाम तक के 7 किलोमीटर लंबे मार्ग पर सड़क के एक तरफ होगा। नगर भोज शाम 4 बजे शुरू होकर देर रात तक चलेगा। इस दौरान 5,000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि श्रद्धालुओं और राहगीरों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में भी कार्यकर्ता गण ट्रैफिक पुलिस के कर्मठ सिपाहियों का पूरा सहयोग करेंगे। इंदौर की स्वच्छता की परंपरा के अनुरूप साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इस हेतु स्वच्छता के सिपाहियों के साथ समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम हर जगह तैनात रहेगी। नगर भोज में प्रसाद के रूप में पूड़ी, रामभाजी की सब्जी, नुक्ती बनाई गई है। प्रसाद सामग्री गाय के देसी घी से बनाई जा रही है। भोजन बनाने में करीब 2000 डिब्बे शुद्ध घी, 90 टंकी तेल, 1000 क्विंटल आटा, 1000 क्विंटल शक्कर, 500 क्विंटल बेसन, 500 क्विंटल आलू, 500 क्विंटल सब्जी लगी है, 500 किलो मसाले व अन्य खाद्य सामग्री लग रही है। कैलाश जी ने बताया कि शिव महाराज के निर्देशन में भोजन प्रसाद बन रहा है। भोजन परोसने का दायित्व इंदौर सहित आसपास के क्षेत्रों से आए 25,000 कार्यकर्ता संभालेंगे। माता अन्नपूर्णा की प्रतीक के रूप में 2,000 महिलाएं भी प्रसाद वितरित करेंगी। उन्होंने बताया कि शनिवार को अन्नपूर्णा पूजन के बाद रविवार को सभी स्थानों पर भोजनशाला में भट्टी स्थापित कर प्रसाद सामग्री बनाने का काम शुरू हो गया था। भोज बनाने के लिए इंदौर के अलावा रतलाम, दाहोद, कोटा, जयपुर, बांसवाड़ा और जयपुर से भी हलवाई आए हैं। हंसदास मठ, नरसिंहवाटिका, व्यास बगीची, एचपी गोदाम के पास सामुदायिक परिसर, मेहंदी परिसर, पंचशील नगर, बिजासन मंदिर, गोमटगिरी, गांधीनगर और श्री पितृश्वर हनुमान धाम की 10 भोजनशालाओं में प्रसाद बनाया जा रहा है। नुक्ती सब्जी बनाने का काम शुरू हो गया है, जबकि पूड़ी मंगलवार को ही बनाई जाएगी। हर भोजनशाला में 500 व्यक्ति की टीम प्रसाद बनाने में जुटी हुई है। सभी नगरवासी इस महाप्रसादी में सादर आमंत्रित हैं। कल ही लगभग दोनों टाइम का मिला है तो 2 लाख लोगों ने भोजन किया कल, और आज भी सुबह से 60,000 लोग भोजन कर चुके हैं। रात तक जितने भी भोजन करें तो जिस दिन मंगल कलश यात्रा थी उस दिन लगभग 1.5-2 लाख लोगों ने भोजन किया था। जैसे 11-12 लाख लोग भोजन कर चुके हैं 14 तारीख से अभी तक। कल फिर 10 लाख लोगों के प्रभु प्रसाद की व्यवस्था है और भागवत जी की कथा से प्रारंभ हुआ हो, भागवत जी की कथा से फिर राम कथा और शिव कथा अभी चल रही है। पीछे मंदिर प्रांगण में भी आपने देखा होगा कि सुंदरकांड लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 15 दिन से 1.25 लाख सुंदरकांड समर्पित करेंगे इंदौर के रामायण मंडल, ऐसा संकल्प लिया। अभी तक शायद 85,000 सुंदरकांड हो गए होंगे, मुझे लगता है, इससे मुझे पता नहीं, पर 1.25 लाख सुंदरकांड का संकल्प है वो भी अभी साथ में चल रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।